नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रदेश बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक से दिल्ली से बुलावा आ गया। देहरादून में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय थे, सभी रद्द हो गए। सीएम के अचानक दिल्ली दौरे से राज्य भर में अटकलों का बाजार गर्म है। वही कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट है। तीरथ पहुंचे दिल्ली दरबार, दून में गर्म है अटकलों का बाजार। आलाकमान से होगी मुलाकात, प्लान 2022 पर बनेगी कैसे बात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आलाकमान के बुलावे पर अचानक दिल्ली पहुंच गए। सीएम के देहरादून में कई अहम कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन आनन फानन में सभी कार्यक्रम रद्द कर मुख्यमंत्री दिल्ली कूच कर गए। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रामनगर में हुई चिंतन बैठक की जानकारी दूंगा। वहीं उपचुनाव को लेकर मीडिया से तीरथ ने कोई बात नहीं की। वहीं बीजेपी के नेता सीएम के दौरे को रूटीन दौरा बता रहे हैं। देखिए, कल ही चिंतन बैठक समाप्त हुई है रामनगर के अंदर और बहुत सारे विषयों को लेकर वहाँ चर्चा हुई है। आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार हुई है, विकास के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है और बूथ तक हम लोग पहुँचे। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के राज्य जिस तरह की योजनाएं आम जन के लिए दी जा रही हैं उनको जमीन तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये सारे विषय थे और आज उन्हीं विषयों को लेकर के राष्ट्रपति जी के सामने अवगत कराने जा रहे हैं। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और हमारे जो संगठन का भी केंद्र है, हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वहाँ रहते हैं, तो समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा वार्ता होती रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए वहाँ गए। रामनगर में 3 दिन के चिंतन बैठक के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने तरह तरह के अटकलों को बल दे दिया है। उत्तराखंड में 10 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री तीरथ को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना है। राज्य में गंगोत्री विधानसभा सीट बीजेपी विधायक के निधन के बाद से खाली है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार राज्य में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा बता रही है। कांग्रेस का कहना कि संविधान के हिसाब से अब राज्य में चुनाव नहीं हो सकता। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने चुनाव आयोग के 5 मई को जारी उस पत्र का हवाला दिया है जिसमें कोविड काल में उपचुनाव नहीं कराने की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस हारने के बाद डर गई है, इसलिए झूठी अफवाह फैला रही है। ने बार बार कहा कि संविधान के हिसाब से तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो विज्ञप्ति 5 मई को जारी हुई उसके हिसाब से भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कोविड काल खत्म होने तक कोई उपचुनाव देश में नहीं होगा, तो कोविड काल तो खत्म नहीं हुआ, तीसरे लहर की दस्तक होने वाली है, ये हमारे विशेषज्ञ कह चुके हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग अपना यू टर्न ले ले या केंद्र सरकार की आम सहमति या कंसेंसस वो तय कर ले कि उपचुनाव होने हैं, तो फिर ऐसे में तो आप देख ही रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं, संविधान को ठेंगा भी दिखा सकते हैं और धत्ता भी साबित कर सकते हैं। लोग उपचुनाव कराने के क्या नियम कानून है, विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव जगदीश चंद्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। कि यदि इलेक्शन कमीशन ये समझ ले कि जो रिमाइंडर पीरियड है वो 1 साल से कम है या उस स्थान पर जहाँ के स्थान की रिक्ति हुई है उसके लिए चुनाव आयोग ये सत्यापित कर दे कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, इन दो परिस्थितियों को छोड़ करके चुनाव का आयोग इलेक्शन कराएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अचानक के इस दिल्ली दौरे से उनके उपचुनाव को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 10 सितंबर से पहले विधानसभा का चुनाव जीतना होगा, लेकिन उपचुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग का फैसला और संवैधानिक व्यवस्थाएं एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सीएम के इस दिल्ली दौरे से उनके उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ होगी या अभी और इंतजार करना होगा।
अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो चलिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उत्तराखंड की सर्द वादियां, जो ठंडी वादियां हैं, वो गर्म हो गई। सियासी बातें निकलकर सामने आने लगी, तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और कह रहा था। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सीएम साहब अचानक से दिल्ली क्यों आए, इसके पीछे वजह क्या है। और इस चर्चा मेरे साथ शादाब शम साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले शादाब साहब, आपसे शुरू करूंगा। आज अचानक से तमाम देहरादून के, उत्तराखंड के प्लान को कैंसिल करके, ऐसी क्या बात थी जिसके कारण मुख्यमंत्री दिल्ली आए? रामनगर में हमारा शिविर, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस। पहले तो कांग्रेस इस पे सवाल उठाते रहे, चिंतन शिविर में किस बात की चिंता हो रही है? आपने बताया कि आपकी समझ में नहीं आएगा, हम दुनिया की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है। हमारे यहाँ चिंतन होता है कि देश में, प्रदेश में जो लोग हैं कोरोना में, जिनकी आजीविका पे सवाल खड़े हुए हैं, कैसे हम उन्हें नई नई योजनाओं के माध्यम से सहायता कर सके, कैसे उन्हें उनके पैरों पर पुनः खड़ा किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टी है जो काम, हमने कहा था सेवा ही संगठन, यानी कि संगठन के सारे कार्यक्रम निरस्त सिर्फ सेवा करेंगे हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि कोरोना में लोग परेशान हैं और वो कार्यक्रम जो सेवा भाव होगा वही संगठन का काम माना जाएगा। लेकिन ये शायद कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो एसी कमरों में बैठे हुए थे कोरोना वन कोरोना टू में, उनकी समझ में नहीं आएगा कि काम किसे कहते हैं, संगठन क्या होता है। इन्होंने एक प्रश्न उठाया, अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी उसमें संवैधानिक संकट आ गया, चुनाव आयोग पे भी सवाल, मोदी है तो मुमकिन है। कंफ्यूज है, परेशान है बेचारे, डूबती नैया है, खेवनहार कोई है नहीं, राहुल जी जैसे लोग आगे बैठे हैं नौसिखिए, उनकी वजह से कांग्रेस लगातार डूबती जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है, तो बेवजह बेचारे। शादाब साहब, ये तो उनकी समस्या है, ये तो उनकी प्रॉब्लम है। अचानक से मुख्यमंत्री, जब उनका देहरादून में कई सारे कार्यक्रम प्लान्ड थे, सर ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, जब इस तरीके से अचानक से दौरे होते हैं तो उसके पीछे वजह होती है। आप राजनीतिक कारण से ना बता पाए वो अलग अलग विषय हो सकता है, और ये मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। राजनीति में कई बातें बोली जाती के बातें नहीं बोली जाती। मैं बता रहा हूं, आप सुनिए, तो मैं उसी पे आ रहा था, आपने बीच में दोबारा प्रश्न दोहरा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जब चिंतन शिविर में ये तय हुआ कि भाई आज पहाड़ की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों की आजीविका पूरी तरह से कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगी तो उनकी आजीविका बंद है। हम लगातार यात्रा प्रारंभ कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार हमारे सामने हर्डल्स आ रहे हैं। तो कई विषय हैं ऐसे जो केंद्र से रिलेटेड हमारे विषय है, उसके ऊपर कहा गया है कि पहले आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा कर लीजिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सामान्य चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए, प्रदेश के विषय में चर्चा करने के लिए गए। मैं आपको पूरी तरह से आपके चैनल के व्यूअर्स को आश्वस्त कर दूं कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने चुनाव की लाइन लगाएंगे कि कहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई संवैधानिक संकट नहीं है, ठीक है, उस पर मैं आगे आऊंगा। ठीक है, ठीक है, नहीं शादाब साहब, उस पर मैं आगे आऊंगा, पहले एक एक करके चीजें क्लियर कर लेते हैं। प्रतिमा सिंह जी, अब मुख्यमंत्री अगर आ रहे हैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मानना है, ये कहना है, ये सोचना है, ये बोलना है कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है, वो आ रहे हैं, आप एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिलने के लिए आ रहा है, एक मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आ रहा है, अपने संगठन के लोगों से मिलने के लिए आ रहा है, केंद्र के मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहा है, भैया आप लोगों को दिक्कत क्या है? पहली बात तो देखिए,
और ना ही और हमें दिक्कत हो भी क्यों भाई, आप आला कमान से मिलने जाइए, आप दिल्ली जाइए, पर दिक्कत सिर्फ इस बात से है क्योंकि जिस तरीके की बातें पिछले 2-3 दिनों में इनकी खुद की पार्टी के अंदर से उठ उठ के आ रही हैं और अचानक उसके बाद आज इतने सारे प्रोग्राम्स लाइंड अप होने के बाद भी जो TSR2 है हमारे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो ये अपने आप में एक संदेहात्मक चीज है। आप समझिए कि क्या अचानक ऐसा हो गया, ये आपने देखा गैरसैंण में भी यही हुआ था। हाँ। अचानक तीरथ जी को बुला लिया गया TSR1 को। हाँ। और सत्र को बीच में छोड़ करके वो चले आए थे, उसके बाद वो सीधे दिल्ली पहुंच गए थे और उसके बाद की कहानी तो देखिए आपके सामने है। हाँ। और पिछले 2-3 दिनों से जो जो न्यूज का जो एक कहते ना कि एक यहाँ जो देहरादून की ठंड हवाएं, देहरादून की जो ठंड हवाएं है वो गर्म हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता है किस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि तीरथ सिंह रावत जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे जो 6 महीने का है, और शायद कुछ 2 लोगों के नाम चल रहे हैं उनको। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने इसमें आप हमें मत लपेटिए, हमें कुछ नहीं पता कि TSR2 कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे, हमें मत लपेटिए। बिल्कुल ये कुछ मीडिया में बता रही हूँ, कुछ मीडिया और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर रुनी ही बातें हैं ये कि जिस तरीके से वो अपना 6 महीने का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं करेंगे और शायद सितंबर से पहले या 10 सितंबर से पहले वो अपना स्टेप डाउन कर लेंगे और उसके बाद ये एक अलग इस पर हम आगे आएंगे। पर एक कमेंट उमा सिसोदिया जी से भी ले लेते हैं। उमा जी, आपकी पार्टी भी तो ये जो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि अब चुनावी मौसम है तो हर स्टेप पर अपने स्टेप पर तो लोगों की नजर होती है, विपक्षी खेमा क्या कदम उठा रहा है उस पर भी अपने से ज्यादा दूसरों पर नजर होती है, आप लोगों की भी नजर होगी, आप लोगों की नजर इस पूरे प्रकरण पर है, क्या आप लोग इसका निष्कर्ष निकाल रही हैं? देखिए, इसका निष्कर्ष बिल्कुल वही निकलता हुआ आ रहा है जिस तरह की खबरें जो है वो न्यूज में चल रही है कि TSR1 के बाद TSR2 और ऐसा ना हो कि TSR3। मैं तो ये देख रही हूँ कि TSR के नाम के और कितने यहाँ पर इनके पास नेतागण हैं जिनको हो सकता है TSR3 के रूप में किसी और को लेकर आए। देखिए, सीधी सी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी को जिस तरीके से आला कमान ने पेश किया, उन्होंने उन पर विश्वास दिखाया कि तीरथ रावत जो है वो बीजेपी की जो नैया है उसको पार लगाएंगे 2022 के चुनाव में। लेकिन तीरथ रावत त्रिवेंद्र जी से भी ज्यादा नाकारा मुख्यमंत्री साबित हुए। शुरू से लेकर आज तक के उनके बयानों में विवादास्पद बयान जो लगातार देते रहे और पिछले 3 महीने में उन्होंने ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया उत्तराखंड के लिए कि जो उत्तराखंड की जनता उन पर विश्वास करे, और सबसे बड़ी बात जो पार्टी का हाईकमान उन पर विश्वास करे। तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान बहुत ज्यादा असमंजस में है कि इतना बड़ा चुनाव विधानसभा का जो सामने है क्या वो वाकई में तीरथ जी के चेहरे पर लड़ा जा सकता है। वो बात अलग है कि मदन कौशिक जी बोल रहे हैं इस बात को कि नहीं चुनाव तीरथ जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये बात तो त्रिवेंद्र रावत जी के बारे में भी कही थी। लेकिन इस तरह की अचानक जो उठापटक इस समय बीजेपी के अंदर चल रही है और उत्तराखंड की राजनीति में जो हलचल मची हुई है उससे साफ कहने के जाहिर होता है कि तीरथ रावत जी को उपचुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उससे पहले ही पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता खोजने में जुटी हुई है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर तीरथ रावत जी गंगोत्री से चुनाव हार जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद इनकी बीजेपी की आगे की राजनीति की क्या स्थिति होगी। चलिए, ये तो एक बहुत आगे का सवाल है, चुनाव होंगे, चुनाव प्रचार होगा, वोटिंग होगी, फिर जीत हार तय होगा, वो तो आगे की बात है। यहाँ पर एक सवाल संवैधानिक संकट का खड़ा हो रहा है। शादाब साहब, सबसे बड़ी बात, चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे तो किन परिस्थितियों में होंगे, ये तय करने का अधिकार देश के चुनाव आयोग को है। उसको लेकर कई सारे इफ्स एंड बट भी हैं कि अगर नहीं होंगे तो उसके पीछे क्या वजह होंगी। जो मोटे तौर पर मुझे समझ में आ रहा है, जो लोग इस वक्त हमें उत्तराखंड के देख रहे हैं उनको अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं तो ये एक नियम कहता है कि हो सकता है कि अगर एक साल बचे हैं तो 5-6, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि फरवरी या मार्च 2022 में अगर चुनाव होते हैं, स्थिति अच्छी होती है, तो फरवरी या मार्च में फुल टाइम जो इलेक्शंस हैं उसके लिए वोट डाले जाएंगे। उसके लिए अगर आप 10 सितंबर से जोड़े तो 5 महीने का टाइम होता है। तो क्या शादाब साहब ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है? हालांकि ये मेरा भी अधिकार क्षेत्र नहीं, आपका भी अधिकार क्षेत्र नहीं, तो आयोग देखेगा इस चीज को। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के घर में जितनी कलह हो रही है, 4 दिन हो गए इनका प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया, उनकी फड़फड़ाहट लोग देख रहे, तमाशा ही बने हैं कि 10 मात्र विधायक और 10 में से 8 लगातार और सिर्फ फुटबॉल चल रहा है,
नेता प्रतिपक्ष में, वो बिचारों को कुछ नहीं मिल रहा है तो सोचा चलो इधर ही सवाल उठा लेते हैं। माननीय तीरथ सिंह रावत कहीं कोई संवैधानिक संकट नहीं है। हमारे पास दो बड़े एग्जाम्पल सामने हैं, एक बंसीलाल जी का हरियाणा का, जहां 11 महीने की सरकार थी और चुनाव आयोग ने वहां चुनाव कराए थे, चार सीटें खाली थी लेकिन एक ही मात्र सीट पे चुनाव हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल ओडिशा का गोयांग जी का है, जिसमें वहां पे तीन सीटें खाली थी और मात्र एक सीट पे 8 महीने की सरकार रह गई थी और 7 महीने की, और फिर उन्होंने फिर वहां पे तब भी चुनाव कराए थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो चुनाव आयोग तय करेगा और चुनाव आयोग जो स्पष्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव करा देगा। उमा जी ने जैसे कहा कि वहां चुनाव होगा, गंगोत्री में भी चुनाव है, कहां से लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए, हमें मालूम है कि आपकी सेटिंग गेटिंग कांग्रेस के साथ है, आपके दम नहीं होगा कि आप उपचुनाव में आए, क्योंकि आप तो पहले ही अपनी 3 बार हमारे सामने जमानती जब्त करा चुकी है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कराई, विधानसभा चुनाव में करी और निकाय में भी कराई। आप कितना सामने से चिल्ला लीजिए, सब जानते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सेटिंग गेटिंग है। आप लोग प्रश्न नहीं उठाएंगे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का जो खेल कांग्रेस के अंदर चल रहा है और प्रीतम सिंह जी को कैसे निपटाया जा रहा है। ये प्रश्न वो नहीं उठा सकते, उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे पहले हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, उन्होंने जो चुनावी मैनिफेस्टो हमने जारी किया था, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ एक पारदर्शी सरकार, एक ईमानदार सरकार दी, और उन्होंने जो काम किए, चाहे वो उत्तराखंड राजधानी बनाने का विषय हो, अटल आयुष्मान योजना, हर उत्तराखंडी को मुफ्त उपचार का जो लाभ देने का विषय हो, और एक ईमानदार पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए जो काम किया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। और माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। 0% ठीक है, मतलब आप एक लाइन में कहें तो ये संवैधानिक संकट जैसी कोई बात नहीं है, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसका भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है, विरोध करती है, निराधार बताती है। प्रतिमा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए पहली बात, दो तीन सवाल किए हैं शम्स भाई ने और मैं तीन पॉइंट में जवाब देना चाहूंगी, मुश्किल से 30 सेकंड लूंगी। बिल्कुल, पहली बात तो आपने कहा 4 दिन से आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे। अरे भाई, आप तो 57 विधायकों में से एक मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए, और आप क्या तानाशाही है? हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के साथ साथ अभिव्यक्ति की आजादी भी है, तो हर व्यक्ति से पूछा जाता है, हर व्यक्ति से बात की जाती है। तो आप तानाशाह भरी जिंदगी जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ सकते कि डेमोक्रेसी है ना, नियत है ना, चाल है ना, चरित्र है ना, चेहरा है। जिन्होंने दो एग्जांपल दिए, तो एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आज जो भारतीय, आज जो चुनाव आयोग है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, उनकी स्वायत्तता पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है, ना ही देश में कोई प्रवक्ता बना दिया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रतिमा जी उस पे मत जाइए, चुनाव है। अभी हम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है, छोड़ दिए उसको। क्या बोल रही है, ये तो दिक्कत आ जाएगी चुनाव आयोग को, नहीं रद्द हो गई है। प्रतिमा सिंह जी, आपकी जो बातें हैं, एक मिनट, आपने जितनी बातें कही, आपने पॉलिटिकल जितनी बातें कही, TSR 1 को कहिए, TSR 2 को कहिए, आरोप लगाइए, राजनीति में सियासत पे चलता है, लेकिन अभी चुनाव आयोग जैसी संस्था पर क्वेश्चन मार्क लगाना थोड़ा जल्दबाजी है। लगा दी, एग्जांपल के साथ दे सकती हूं कि चुनाव आयोग आज जो देश में है वो बिल्कुल सरकार की आपको रद्द कर रही है। नहीं 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 नहीं, ये गलत लाइन पे जा रही है प्रतिमा जी। आप एक नहीं नहीं ठीक है, एग्जांपल दे दूंगी, नहीं 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 चलिए चलिए, ये गलत लाइन पे जा रहे हैं। ठीक, उमा सिसोदिया, आपको भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है कि आपको हमेशा शिकायत सत्ताधारी दल से है, कांग्रेस पार्टी से आपको कोई शिकायत नहीं है? देखिए भाई साहब, शिकायत कांग्रेस से हमें क्या होगी, कांग्रेस तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जो एक खत्म होती हुई चीज है उससे हम क्या शिकायत करें, वो तो हमारे साथ कहीं मुकाबले में है ही नहीं।
अब प्रतिमा सिंह जी संवैधानिक संस्था के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, कल कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगी, आज इन्होंने चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बात वो पार्टी कह रही है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी, इन लोगों को शोभा नहीं देता संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, जो उस पार्टी के रहते हुए जिस पार्टी ने पूरे देश के संविधान को ताक पर उठाकर रख दिया था, एक एक करके दिल्ली में ये सबसे बड़ा नहीं है, और वही मोदी जी की वजह से बड़ा कारण है कि आज आज कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है, पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। मतलब ठीक बोल रही है, नहीं उमा सिसोदिया जी, मतलब जो श्रम साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच उत्तराखंड में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है सामने से भी अंदर खाने से जिससे आप कभी भविष्य में असहज हों। देखिए सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बोली, कांग्रेस हमारे मुकाबले में कहीं नहीं टिकती, ये आपस में पहले अपना सिर फुटबॉल बंद करें, प्रीतम सिंह जी, ये चीज मैं दिल्ली में भी देखने को मिलता है, दिल्ली में भी ये आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस में चलता है, बीजेपी कहती है कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सेटिंग है, कांग्रेस कहती है बीजेपी आम आदमी पार्टी में सेटिंग है, और इसमें आम आदमी पार्टी अपना शासन कर रही है, बी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है, यही तो मैंने कहा ना, ए पार्टी बी पार्टी चलती है ये, लेकिन चलिए ठीक है। देखिए भाई मैं आपको सिर्फ एक लाइन में एक जवाब देना चाहती हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की नींद इस समय उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की आमद की वजह से, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में नींद उड़ा रखी है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आई हैं और जी अभी तो चुनाव में वक्त है, देखेंगे जब परिणाम आएंगे किसके दावों में कितना दम मिलेंगे। शादाब श्रम साहब एक बात तो है सर कि चुनाव हो ना हो, लेकिन चुनाव आपकी पार्टी के ही शब्दों में, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों में, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, तो ऐसे में एक उपचुनाव तो लड़ना है और उस उपचुनाव में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लड़ रहा, राज्य का मुखिया वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसको लेकर एक जरूर संशय आप लोगों के मन में, चिंता जरूर, संशय कहिए, चिंता कहिए, चुनौती कहिए, जिसको अपने हिसाब से डिफाइन कर ले, एक वो बात तो जरूर होगी कि हमें 10 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री जी को विधानसभा का सदस्य भी निर्वाचित करवाना है। कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम वो स्टूडेंट हैं जो डे वन से मेहनत करते हैं, हम वो स्टूडेंट नहीं है जो एग्जाम आते हैं और बुक्स उठा के बैठ जाते हैं और रात भर पढ़ते हैं और कहते हैं कि अब मैं पास हो जाऊंगा। हम तो डिस्टिंक्शन के लिए 99-98% के लिए मेहनत करते हैं और हमें मालूम है इस बार भी हमारा लक्ष्य इस बार 60 पार, कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे, हमने ये कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लिया है सब कार्यकर्ताओं ने, ठीक है, इकाई पे समेट कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस जल्दी से कंप्लीट कीजिए शादाब साहब, डिबेट शादाब साहब जल्दी से कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, सीख लीजिए, चलिए शादाब साहब वक्त खत्म हो, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, हाँ क्या चुनौती है? मैं ये कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस को चुनौती नहीं मान रहे और हमें मालूम है ये उपचुनाव में हम पहले कांग्रेस को कई बार धराशायी कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में धराशायी कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव में धराशायी कर चुके हैं, और कांग्रेस 57-11 और इस बार तो ये दहाई तक पहुंच गए थे, इस बार मैंने कहा इकाई पे समेटेंगे, एक से लेके 9 तक, इसी नोट पे मैं खत्म करता हूँ, कौन इकाई पे रहेगा कौन दहाई पे रहेगा इसके लिए अभी ये दावों वादों का जो सिलसिला है वो लंबा भी चलने वाला है क्योंकि चुनाव में वक्त है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया शादाब श्रम साहब आपका, प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संकट की बात कर रही है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री दिल्ली में है, मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो दिल्ली में क्या कुछ चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक हम पहुँचाएंगे और उसके पीछे का राज क्या है वो भी आपको बताएंगे।